में लगा हुआ है एजेंडे में कि वहां पर तो शेड बने हुए हैं जी, शेड वहां पर प्रैक्टिकल देखने के लिए मैं गया हूँ, मैंने देखा कि वहां शेड की जगह बिल्डिंगें बनी हैं और वहां पर जो ना फ्रेश कंस्ट्रक्शन हुआ है। हमारी जो निचवा की जमीन है उसको हम अपनी जमीन को अगर उल्टा ले रहे हैं, मांग रहे हैं, तो हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज, मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। स्टैंडिंग कमेटी की आज मीटिंग थी, दिवाली से पहले की मीटिंग थी। हमारे साथ मौजूद हैं विजेंदर यादव जी, जो कि बीजेपी के निगम पार्षद भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। इन्होंने जो पिछली बार मुद्दा उठाया था निरिला मंडी को लेकर, आज एक बार फिर वो मुद्दा उठा, लेकिन इस बार ये मुद्दा काफी ज्वलनशील रहा, काफी गुस्से में भी नजर आए विजेंदर यादव। तो आखिर जानते हैं वजह क्या रही। विजेंदर जी, आपने पिछली मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन तब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दा आपने रखा भी और सबने सुना भी, लेकिन आज ये मुद्दा काफी ज्वलनशील हुआ, आपके और विक्की जी के बीच में बहस भी हुई। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतनी पीड़ा हो रही है, क्या ऐसी परेशानी हो रही है, जो ये मुद्दा मतलब बहुत सामान्य तरीके से भी सुना जा सकता था, लेकिन इसके ऊपर हमें देखा गया कि ज्वलनशील हो गया ये मुद्दा। देखिए, हमने निगमों के हित के कार्य करने के लिए ही हम 27 समिति में पार्टी ने भेजे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सा ये कहना है कि भाई जो गलत चीज़ हो रही है उसको हम सुधार करने के लिए यहाँ पर पॉलिसी मैटर बनाएं। आप एक 70 दुकानों पर अगर 490 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो इससे निगमों का भला हो रहा है। निगम क्या कर रही है कि जो हाउस टैक्स वगैरह उसके तो हम नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन जो क्राइसिस है उसको निपटाने के लिए हमारी जो प्रॉपर्टी है निगमों की, वो पुरानी नरेला अनाज मंडी के अंदर, वहाँ पर 70 लोगों को बचाने के लिए विक्की गुप्ता ने ये कहा, हमारे साथी ने ये कहा कि जी आप इस विषय को गंभीरता से बार बार उठा रहे। अरे भैया, एक चीज़ एजेंडे में लगी है, जोन ने वहाँ से प्रस्ताव पारित किया है और उस प्रस्ताव को यहाँ पर एजेंडे में लगा है कि जी इसका नियमितीकरण कर दिया जाए। हमारा कहना ये है कि इसके अंदर अगर नियमितीकरण करा जाएगा तो निगमों का इसमें नुकसान है। अगर 70 लोगों को नाराज करके 70,000 लोगों का फायदा हो रहा है, भला हो रहा है, तो उसमें क्या नुकसान है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीनें जो सेड दिए गए थे उनको अलॉटमेंट 2021 आ गया और ये लीज जो थी 1918 की दी हुई थी और आज 1918 में दी गई थी, 2018 में ये पूरी हो रही है। तो जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो इसको अपनी ज़मीन मांगना निगमों का हक है। तो इसमें कोई भी हमारा साथी अगर ये कहे कि नहीं जी इस विषय को आप नई चर्चा में लाएंगे, तो ये उसकी सोच है। हम समझते हैं कि अगर कोई भी विषय जिसमें निगमों का हित है, जिसमें हमारे निगम की छवि साफ सुथरी होती है, भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ सुथरा मैसेज दिया है, 4 पार्षदों को निकाल कर जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनको निकाल कर मैसेज दिया है कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ, हम दूसरी पार्टियां हो सकती हैं लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं हमारा सीधा सीधा एक टारगेट है कि हमें अपनी ज़मीनें मांगने के लिए पार्टी हमारे को ये भी सच्चाई का साथ देने के लिए यहाँ पर भेजती है, हम पार्टी के तरीके से। आप, ये एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विक्की जी ने कहीं ना कहीं, जैसे आप बोल रहे हैं 70 लोगों को बचाने के लिए वो कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं कि चर्चा नहीं होने देना चाहते, वहीं विक्की जी ने आप पर भी आरोप लगाया है कि आप चाहते हैं कि वहां के जो दुकानदार हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बने कि अगर विक्की जी ने ये जो मुद्दा है सदन में उठाया तो यहाँ पे जो ये जो प्रक्रिया रुक सकती है, तो आप प्रेशर बना रहे हैं ताकि वहां से आपको कोई फायदा जो भविष्य में होना शुरू हो जाए। देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, अपने हक की लड़ाई, कोई निगम का, अगर हमारा निगम परिवार है, हम निगमों की जो हक है, जो हमारी निगमों की ज़मीन है उसके विषय में जब यहाँ पर वो चर्चा हो रही है 27 समिति के अंदर में, तो ये ज़रूरी सी बात है ये कि वो सच्चाई है, तभी हो रही है। दोबारा भी मैंने उठाया तो सच्चाई का साथ दे रहा हूँ। अगर उनकी क्या सोच है वो मैं नहीं जानता, उनकी क्या मनसा मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर कमिश्नर महोदय हैं,
यहाँ पर चेयरमैन साहब हैं, यहाँ पर 27 समिति के लोग हैं। यहाँ जो सच्चाई का पक्षधर है, हमारा सीधा सीधा मकसद है कि जो निगमों की ज़मीन है उसको लेना कोई गुनाह नहीं है। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, खेत नहीं, बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हमें तो अपने लिए ये जीना सिखाया गया है हमारे बुजुर्गों ने कि जो चीज़ सच्चाई है उसके साथ खड़े रहना है, चाहे दुनिया वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हमें उस पर उसकी परवाह ही नहीं है। आगे कहां तक लेके जाएंगे इस मुद्दे को? देखिए, ये मुद्दा CBI तक भी जा सकता है। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके अंदर में आज चेयरमैन साहब भी इन्वॉल्व हैं, इसके साथ में कमिश्नर साहब से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अगर ये मुद्दा यहाँ पर ही जैसे कोई रुकावट आ रही है तो इसको CBI अपने तरीके से जांच करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये विषय पर, इस पर हमने पेपर मांगे, दस्तावेज मांगे, उस दस्तावेज के भी आपसे हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। एक आपने मुद्दा और रखा था सफाई कर्मचारियों को लेकर कि अगर हमारे खुद के वार्ड का सफाई कर्मचारी होता है तो हम उसको नहीं बोल पाते हैं, काम के लिए प्रेशर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट के ऊपर भी बात आती है और जनता को खुश रखना एक स्थानीय जो नेता होता है उसकी जिम्मेदारी भी होती है। क्या रहा वो मुद्दा? क्या इस पर कोई संज्ञान की बात कही गई है? या जो सदन में बाकी लोग थे वो इससे कितने समर्थन में थे, इसके वो जानना चाहेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ को इसलिए व्याख्यान करके उस चीज़ को मैंने यहाँ पर बोला, कोई भी कर्मचारी, मेरा किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन निगमों का कैसे हित होगा, निगमों की कैसे सफाई व्यवस्था, कैसे जो अगर कहीं ठीक नहीं है तो उसमें कैसे क्या प्रावधान किया जाए जिससे कि निगमों की साफ सफाई में असर पड़े, उसमें मेरे को लगा मेरी किसी निगम के कर्मचारी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मेरा तो एक अपना सजेशन है कि मेरा अगर कोई भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी तो हमारे लिए कोरोना योद्धा है, उन्होंने 6 बजे से उठने से पहले ही लोगों की सफाई करी है। जो वहाँ पर जो सफाई कर्मचारियों ने काम किए, वो हमारे आप जैसे लोग तो सोते थे लेकिन उन्होंने काम किया है, मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि सफाई कर्मचारी जिस वार्ड में रहते हैं, अगर वो दूसरे वार्ड में लगाए जाएंगे तो उसके काम करने की शैली चेंज होगी और उन लोगों पर दबाव नहीं बनेगा, उनको कार्य शैली के अंदर में बदलाव आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो लोग उनसे कार्य पार्षद करा रहे होंगे वो उनको, मैं मानता हूँ, मैंने तो कहा है कि वोट का लालच नहीं होगा वहाँ पर, वो सफाई व्यवस्था के लिए उनको बताएंगे कि आपकी सफाई व्यवस्था यहाँ पर चरमरा रही है। आप कहना चाह रहे हैं एक जो वोट का लालच है वो खत्म हो जाएगा एक तरह से? ये वोट का लालच भी खत्म हो सकता है, मैं भी पॉसिबल का है, लेकिन ये सच्चाई है, इसको चेंज करने से। मैं तो कहता हूँ जो SI हैं, जो दूसरे वार्ड में जाके करें ना कार्य को करवाएं, उनके साथ हैं हम लोग। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें उनसे कोई जाति दुश्मनी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए हमारा मेन मकसद यही है कि सफाई की व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा सके और अच्छे से कर पाए। तो ये थे विजेंद्र यादव, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं और BJP से निगम पार्षद भी हैं। बहुत सारे जो मुद्दे इन्होंने आज रखे, आज ज्वलनशील भी रहा इनका एक मुद्दा। ऐसे तमाम मुद्दे हम आपके पास लगातार लेकर आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।